वेलकम टू माय टेक चैनल। और आज हम बात करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। इसका देखिए क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है जो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ और सेल के साथ आया है। और इसका जानेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा। मैं जीरो के चार्ट पे हूँ। देखिए मैं पहले आपको एक लाइन, मेरा दूसरा पिछला वीडियो इसका देख सकते हैं आप। मैं ऑलरेडी आपको इसका टारगेट बता दिया था। ये देखिए 700 आसपास है। देखिए लाइन ड्रॉ किया था यहाँ से, देखिए ये 700 आसपास टॉच करके फिर ये नीचे की ओर थोड़ा गिरा और इस लेवल पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है। और देखिए यहाँ से फिर गिर रहा है, अभी चाहिए गिर के ये एक सपोर्ट जोन ले रहा है। उसका जो पिछला वाला लो है देखिए ये पॉइंट, मैं आपको लाइन ड्रॉ करता देता हूँ। देखिए ये जो पिछला लो है आपका 470 आसपास ही आपको ये टॉच कर रहा है। इसका देखिए देखिए ठीक है, तो ये जो इसका जो लो है आपका 412 आसपास ये आपको टच कर रहा है। देखिए एक बार किया, दो, फिर तीन बार और ये बाउंस बैक कर रहा है यहाँ से। इसका नेक्स्ट आ गया 488 और उसके बाद ये जगह आपका ये टच करेगा 560 और फिर 620। यहाँ पे देखिए MACD जो है, MACD भी देखिए मूव कर रहा है नीचे और यहाँ से देखिए क्रॉस मारा और ये ऊपर की ओर चला और देखिए यहाँ से देखिए क्रॉस मार रहा है। अब जो रेड लाइन और ये आपका ब्लैक लाइन, ये देखिए अभी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तो फिर आपको 700-800 आसपास आपको ले जा सकता है, क्योंकि शेयर बहुत अच्छा शेयर है, इसका प्रॉफिट भी बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। और चलो देखते हैं इसका रिजल्ट और जानते हैं कंपनी के बारे में, जानते हैं, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका मैं 5 ईयर्स का चार्ट। देखिए ये 700, ये जो 800 आसपास ही सबसे हाई मारा था, ठीक है। अब ये बाउंस बैक फिर से करने जा रहा है, ठीक है। आज का देखिए इसका जो आपका एनएसई के साइड पे मैं हूँ, यहाँ पे 420.50 पे क्लोजिंग दिया, 27.45 हाई मारा, मतलब रुपीज किया था, और 6.98 ट्रेड वैल्यूम देखिए इसका 74,74,639 ट्रेड वैल्यू निकल के आ रहा है 31,975। फ्री फ्लोट मार्केट के पे 2,678, 52 हाई है 816 और लो है 366। यहाँ पे देखिए जो डिलीवरी क्वांटिटी है 11,52,529 और 15.42 इसका जो डिलीवरी में माल उठाया गया है। तो चलो इसका देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो मूवमेंट 410 आसपास ओपन होके ये चला गया था 40, ठीक है। फिर ये बाउंस नीचे की ओर गिर के ये 420 पे क्लोजिंग दिया है 27.45 रुपीज। 1 मंथ का डाटा देखिए, 1 मंथ का ये 450 आसपास था 1 मंथ में, और इतना इसमें गिरावट देखने को मिला क्योंकि अभी देखिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आपको तो गिरावट पिछले 1 मंथ आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसमें भी आपको देखने को मिला है गिरावट। और देखिए ये आपको इस लेवल पे गिरावट देखने को मिला, फिर देखिए यहाँ से देखिए बाउंस बैक किया एक लेवल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अभी करेंटली है 420। इसका नेक्स्ट अभी आपको 420, अभी 30, अभी तो 20 चला गया, देखिए 450 आसपास है आपको नेक्स्ट फिर से जंप करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी इसका आ चुका है। यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट जेके लक्ष्मी सीमेंट कंसोलिडेटेड नेट मार्च 2022 नेट सेल हुआ आपका 1599.83 करोड़ का, जो कि 12.32% ईयर एंड ईयर बेसिस, मतलब ईयर एंड ईयर बेसिस में 12.32% है ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे देखिए नेट सेल RS 1599.83 करोड़ इन मार्च 2022 ऑफ 12.32 फ्रॉम द 1424.32 करोड़ इन मार्च 2021। क्वार्टर नेट प्रॉफिट 183.73 करोड़ इन मार्च में इसका हुआ है 183.73 करोड़ का, जो कि 20.16% ऑफ है पिछले क्वार्टर से, जो कि देखिए 152.91 करोड़ इन मार्च 2021, मतलब 21 मार्च में इसका हुआ था 152.91, अब हुआ है 183.73। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है ईयर एंड ईयर और आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर भी। तो यहाँ पे देखिए एबिटा स्टैंड हुआ है 341.50 इन मार्च 2022, जो कि 0.01 हुआ है,
और 340.47 पर यू आई 2021 मार्च को हुआ था। तो जो